झुंझुनू चुड़ावा सुल्ताना किशोरपुरा स्थित शेखावटी अंचल के किसान नेता बाबा बुंजीराम जिन्होंने दलित शोषित व कामगारों की आवाज बनने के साथ ही किसानों हितैषी थे, बाबा बुंटीराम की पुण्यतिथि पर आयोजित विशाल किसान सम्मेलन के सफल आयोजन के कर्णधार श्री बुंटीराम जन कल्याण संस्थान के सचिव व क्षेत्र के कद्दावर किसान नेता नंदलाल चौधरी के सुपुत्र धीरेन्द्र चौधरी ने दूरभाष पर दिए गए साक्षात्कार में बताया कि बाबा बुंटीराम के किसानों के हितों में साम्राज्यवाद व सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ उठाई आज भी प्रासंगिक है। किसान आज भी पूंजीवादी व्यवस्था व बिचौलियों संस्कृति से बाहर नहीं निकल पाया है, जिसके कारण किसानों के लिए खेती घाटे का सौदा बनती जा रही है। निवर्तमान सरकारों की गलत नीतियों के कारण किसान जो देश का अन्नदाता के नाम से जाना जाता है भूखमरी के कगार पर है। झुंझुनू जिला जो वीर प्रसूता भूमि के नाम से विख्यात है, जिसके किसानों ने अनगिनत लाल देश की सुरक्षा पर न्यौछार कर दिए, लेकिन दुर्भाग्य आज शेखावटी का किसान सिंचाई के पानी को लेकर तरस रहा है। चौधरी ने आगे बताया कि समय पर बिजली न मिलना, खाद व बीज की उपलब्धता समय पर व उचित दामों पर न होना किसानों के लिए कोढ़ में खाज का काम किया है। बाबा बुंटीराम का सपना था कि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा देश की प्रगति संभव नहीं, क्योंकि देश की प्रगति का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार से अपील की है कि शेखावटी के अमर शहीद बुंटीराम को सच्ची श्रद्धांजलि देगी, वही उनके विचारों को यथार्थ के धरातल पर साकार करने के लिए योजनाएं बनाएं।